असलम सिक्स क्लास जो मैथ्स बुक्स एंड नोट बुस एक्सरसाइज हमें फोर एट करनी है आज हमने और इसका क्वेश्चन वन आई फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी के प्राइम फैक्टर्स आपने प्राइम फैक्टर जब भी लेने होते हैं आप उसको एल सी एम से लेते हो सोल्यूशन एरिया में ही आप इसके प्राइम फैक्टर पी एफ फाइंड आउट करोगे आपने एल सी एम लेना इसका, है इसका ठीक है प्राइम फैक्टर जब भी लेना हम एल सी एम लेते हैं थ्री सिक्सटी जीरो है लास्ट में इसको अंदर टू पे डिवाइड हो जाएगा आपने यहाँ पर लास्ट पे भी प्राइम नंबर्स लेने होते हैं ठीक है तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं अब टू पे मैं डिवाइड करी टू इंटू वन टू टू इंटू एट सिक्सटीन टू इंटू ज़ीरो जीरो फिर दोबारा टू पे डिवाइड होते हैं टू इंटू नाइन जीरो टू इंटू फोटी फाइव अब थ्री पे डिवाइड हो जाएगा थ्री इंटू फिफ्टीन फोटी फाइव फिर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन फिर फाइव इंटू वन फाइव तो ये लास्ट साइड्स पे जो इसके पी एफ़ होते हैं वो इसके पी एफ होते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं पी एफ़ थ्री सिक्सटी हमने थ्री सिक्सटी के लिए है ना पी एफ थ्री सिक्सटी के लिए है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पी एफ ओफ थ्री सिक्सटी सिक्स उसके बाद एक थ्री सिक्सटी फिर उसके बाद एक बार के बाद मैं इसकी पी एफ लिखना शुरू करूँगी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया आप इस तरह से इसके पी एफ पढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्या ये पेयर जो है वो कोप्राइम है या नहीं है अब प्राइम नंबर्स का तो आपको पता है अब कोप्राइम वो पेयर्स होते हैं नंबर्स के आप दोनों का पी एफ लेते हैं दोनों के ठीक है नंबर्स जो भी होते हैं अगर इनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ वन आता है तो इसका होता है ये कोप्राइम है अगर वन के अलावा भी और कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो वो कोप्राइम पेयर